ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच इस समय एशेज सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले दो टेस्ट मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक तरीके से जीते, तो वहीं अंतिम मुकाबला इंग्लैंड ने अपने नाम करके सीरीज में जान डाल दी। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम 2-1 से आगे है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच जब भी एशेज सीरीज होती है तो उसमें विवाद आम तौर पर देखा ही जाता है। इस सीरीज में भी काफ़ी विवाद हुए। लॉर्ड्स के मैदान पर जहां प्रोटेस्टर आ गए, तो वहीं जॉनी बेरस्टो के रनआउट ने भी काफ़ी बवाल मचाया था। ऑस्ट्रेलिया के समर्थक हो या फिर इंग्लैंड के प्रशंसक, सभी एक दूसरे के प्रति आरोप लगाते नज़र आ जाते हैं। एशेज में जितनी ज़्यादा नोकझोंक होती है शायद ही किसी और टेस्ट सीरीज़ में देखने को मिल जाए। लेकिन अब ये नोकझोंक सिर्फ खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री तक भी ये नोकझोंक जा पहुँची है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनेस और यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक नाटो शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में दोनों ही प्रधानमंत्री एक दूसरे के नोकझोंक में दिलचस्प लेते नजर आए। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पहले 2-1 का पोस्टर लिया। 2-1 मतलब सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे है, उसका बैनर लेके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री खड़े हुए थे। इसके बाद ऋषि सुनक ने एक बैनर लिया जिसमें बेन स्टोक थे और इंग्लैंड की टीम जीती हुई नजर आ रही थी। तीसरे बैनर की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने पकड़ा हुआ था, जिसमें जॉनी बेरस्टो का रनआउट था। हालांकि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने एक दूसरे के साथ हंसी मजाक के तरह ये नोकझोंक की, इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं थी। आपको बता दें कि दोनों की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और फैंस को ये नोकझोंक काफ़ी पसंद आई है। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें।